साथियों, मैं जब कच्छ के विकास की बात करता हूं तो मन में बहुत सारी पुरानी सारी यादें सारी तस्वीरें एक साथ आने लगती है। एक समय कहा जाता था कच्छ इतनी दूर है, विकास का नामो निशान नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली पानी सड़क चुनौती का एक प्रकार से दूसरा नाम ही ये था। सरकार में भी ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी को पनिशमेंट पोस्टिंग देना है तो कच्छ में भेज दो, और लोग भी कहते हैं मुझे तो काला पानी की सजा हो गई। आज स्थिति ऐसी है कि लोग सिफारिश करते हैं मुझे कुछ समय कच्छ में मौका मिल जाए काम करने का। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि इस क्षेत्र में विकास कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हालत में कच्छ में भूकंप की त्रासदी भी आई, जो भी बचा खुचा था भूकंप ने वो भी तबाह कर दिया था। लेकिन एक तरफ माता आशापुरा देवी और कोटेश्वर महादेव का आशीर्वाद, तो दूसरी तरफ कच्छ के मेरे खमीरवंत लोगों का हौसला, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति। सिर्फ कुछ ही वर्षों में इस इलाके के लोगों ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कच्छ के लोगों ने निराशा को आशा में बदला। मैं समझता हूं यही तो माता आशापुरा देवी के आशीर्वाद है। या निराशा का नाम नहीं, आशा ही आशा होती है। भूकंप में उनके घर भूकंप ने भले उनके घर गिरा दिए थे, लेकिन इतना बड़ा भूकंप भी कच्छ के लोगों के मनोबल को नहीं गिरा पाया था। कच्छ के मेरे भाई बहन फिर खड़े हुए, और आज देखिए इस क्षेत्र को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया है। साथियों, आज कच्छ की पहचान बदल गई है। आज कच्छ की शान और तेजी से बढ़ रही है। आज कच्छ देश के तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में से एक अहम क्षेत्र बन गया है। यहां की कनेक्टिविटी दिनों दिन बेहतर हो रही है। इस सीमावर्ती इलाके में लगातार पलायन, और पहले तो जनसंख्या का हिसाब देख लीजिए, माइनस ग्रोथ होता था, और जगह पे जनसंख्या बढ़ती थी यहां कम होती थी क्योंकि लोग चले जाते थे, और ज्यादातर सीमावर्ती इलाके से लोग पलायन कर जाते थे, और उसके कारण सुरक्षा के लिए भी मुश्किल पैदा होना बहुत स्वाभाविक था। अब जब पलायन रुका है तो जो गांव कभी खाली हो रहे थे उनमें रहने के लिए लोग वापिस आते जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ा है। साथियों, जो कच्छ कभी वीरान रहता था वही कच्छ देश और दुनिया के पर्यटकों का प्रमुख केंद्र बन रहा है। कोरोना ने जरूर मुश्किलें खड़ी की है, लेकिन कच्छ का सफेद रण, कच्छ का रणोत्सव पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। एवरेज औसतन 4 से 5 लाख टूरिस्ट
रणोत्सव के दौरान यहां आते हैं। सफेद रेगिस्तान और नीले आसमान का आनंद उठाते हैं। इस तरह के बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कच्छ के स्थानीय सामानों की इतनी बड़े पैमाने पर बिक्री, यहां पारंपरिक खान पान की लोकप्रियता एक जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज मुझे कई मेरे पुराने जान पहचान वालों से गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिल गया तो ऐसे ही मुझे बता रहे थे, बोले अब तो हमारे बच्चे अंग्रेजी बोलना सीखे। मैंने कहा कैसे? बोले अब तो हम होम स्टे करते हैं, हमने घरों की रचना की है तो होम स्टे के लिए लोग रहते हैं, तो हमारे बच्चे भी बोलते बोलते बहुत कुछ सीख गए हैं। कच्छ ने पूरे देश को दिखाया है कि अपने संसाधनों पर, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए किस तरह आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जा सकता है। मैं दुनिया के डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स, इससे जुड़े लोगों से कहूंगा कि भूकंप के बाद जिस तरह कच्छ का चौतरफ विकास हुआ है, मुझे लगता है कि केस स्टडी है, उसकी स्टडी की जानी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और ये किस प्रकार से मॉडल काम कर रहा है। इतने बड़े भयंकर भूकंप हादसे के दो दशक के अंदर अंदर इतना बड़ा सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में, और वो भी जहां ज्यादातर भूमि सिर्फ सिर्फ रेगिस्तान है, ये अध्ययन का विषय है। साथियों, मैं हमेशा मानता हूं कि ईश्वर ने मुझ पर कई कृपा रही है और ईश्वर की कृपा का ही कारण होगा शायद कि मुझे भी उस भूकंप के समय विशेष रूप से कच्छ के लोगों की सेवा करने का ईश्वर ने अवसर दिया। इसे संयोग ही कहेंगे कि भूकंप के अगले साल बाद जब राज्य में चुनाव हुए तो जिस दिन नतीजे आए वो तारीख भी 15 दिसंबर थी और आज 15 दिसंबर है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने बड़े भूकंप के बाद यहां पर हमारी पार्टी को लोग आशीर्वाद देंगे। बड़ी नकारात्मक चर्चा चल रही थी, लेकिन उस चुनाव में जब 15 दिसंबर को रिजल्ट आया तो देखा कच्छ ने जो प्यार बरसाया, जो आशीर्वाद दिए, वो आज भी उसी परंपरा चल रही है। आज भी देखिए आपके आशीर्वाद,